बड़ी खबर, कंझावला केस के मामले को सीबीआई में ट्रांसफर करने की मांग। कंझावला केस को सीबीआई को ट्रांसफर करने की मांग हो रही है। अब डीसीडब्ल्यू चीफ ने सीबीआई से जांच करवाने की मांग उठाई है। उनका कहना है कि मैं दिल्ली पुलिस की कार्रवाई से संतुष्ट नहीं हूं। दिल्ली महिला आयोग की चेयरपर्सन अध्यक्ष स्वाति मालीवाल का कहना है कि पुलिस की जांच सही नहीं है, इससे संतुष्ट नहीं है। कमल मेरे साथ, मेरे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं हमारे आउटपुट हेड। कमल, और क्या जानकारी है? स्वाति मालीवाल क्यों इस तरह की मांग कर रही है? देखिए आसर, ये जो सवाल है आपका, इसका जवाब सीधा सीधा ये है। स्वाति मालीवाल ने बाकायदा ये कहा है कि दिल्ली पुलिस की कार्रवाई से मैं बिल्कुल संतुष्ट नहीं हूँ। इसके पीछे की वजह है कि उन्होंने कहा कि दिल्ली पुलिस ने हमें ये बताया था कि अब तक निधि का फोन उन्होंने बरामद नहीं किया है, और ये बहुत अहम सबूत माना गया है। अगर दिल्ली पुलिस निधि का फोन बरामद कर लेती तो अभी तक जांच में और भी दिल्ली पुलिस के पास सबूत होते। दिल्ली पुलिस खुद ही तो कह रही है कि अदालत में वो चाहते हैं कि अच्छे से मजबूती के साथ ये केस बने, लेकिन अभी तक अगर दिल्ली पुलिस के पास फोन नहीं है निधि का तो ये क्यों नहीं है? उन्होंने ये भी कहा कि ये मेरी समझ से परे है कि अब तक दिल्ली पुलिस के पास निधि का फोन क्यों नहीं है। निधि, आप जानते हैं कि इस पूरे मामले में नासर एक अहम कड़ी है, और उन्होंने क्या क्या बयान दिए हैं वो भी सबके सामने है। कुछ लोग आपत्ति भी जता रहे हैं, अब निधि का फोन क्यों नहीं आया दिल्ली पुलिस के पास, ये समस्या परे हमारे भी है और ये डीसीडब्ल्यू चीफ के भी है। अब इस मामले को लेकर शुरुआत से ही दिल्ली पुलिस की भूमिका को इस मामले में बड़े संदिग्ध रूप से देखा जा रहा है। बिल्कुल नासिर, आपने ठीक कहा। शुरुआत से आप देख लीजिए, दिल्ली पुलिस को टारगेट किया गया है, और इसमें कुछ वजह भी है। एक तो दिल्ली पुलिस की सुरक्षा को लेकर कि एक बार फिर से वही माहौल, और हमें निर्भया भी याद है, उसके बाद कई केस ऐसे हुए हैं, उसके बाद दिल्ली पुलिस तो सवाल उठे। कंझावला केस ने सबको हैरान परेशान कर दिया, पूरा देश हिल गया जब वो तस्वीरें सामने आई देश के सामने। उसके बाद सवाल उठे कि इस मामले में दिल्ली पुलिस ने कैसे कड़ी से कड़ी जोड़ी, कैसे अभी तक दो आरोपी भी फरार है। आप नासिर इस बात को समझिए, जब आज ही खबरें अभी तक ने भी ये रिपोर्ट दिखाई, आपने जानकारी दी कि आरोपी उतने नहीं है जितने हम सोच रहे थे, अभी और भी आरोपी। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की, आपने ध्यान से देखा होगा और सुना भी होगा नासिर, प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिल्ली पुलिस के पास बताने के लिए कुछ ज्यादा कुछ नहीं था, उतना ही था जितना पहले चीजें थी। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो सवाल थे वही रिटर्न आए, पहले वाले बयान थे, लेकिन कुछ बड़ा खुलासा दिल्ली पुलिस के पास नहीं था जो उम्मीद लगाई जा रही थी। और यही अब डीसीडब्ल्यू चीफ कह रही है। स्वाति मालीवाल ने साफ कह दिया कि मैं तो मांग उठाती हूँ कि सीबीआई को मामला सौंपना चाहिए, और भी बड़े खुलासे तभी होंगे जब सीबीआई के पास ये केस आए। जी शुक्रिया कमल, इस पूरी जानकारी के लिए, बातचीत के लिए। तो अब सीबीआई को जांच सौंपने की मांग कर रही है स्वाति मालीवाल, क्या कुछ कह रही है सुनते हैं। दिल्ली पुलिस की अभी तक की कार्यवाही से मैं बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं हूं इस केस में, और मेरी रिकमेंडेशन है कि ये केस सीधे सीधे सीबीआई को ट्रांसफर कर देना चाहिए। हमें दिल्ली पुलिस ने बताया, जब हमने उनसे पूछा, कि अभी तक निधि का फोन तक दिल्ली पुलिस ने रिकवर नहीं करा है। वो एक बहुत इंपॉर्टेंट पीस ऑफ एविडेंस है, और मेरी समझ से बाहर है कि अभी तक वो एविडेंस दिल्ली पुलिस के हाथ में क्यों नहीं है। जब हमने उनसे पूछा तो उन्होंने हमें बताया कि ये जो जितना स्ट्रेच है 13 किलोमीटर का जहां अंजलि को घसीटा गया, या ओयो से लेकर, ओयो होटल से लेकर जहां तक एक्सीडेंट हुआ, ये पूरे जो रोड का स्ट्रेच है, इसमें जितने सीसीटीवी कैमरास लगे हुए हैं, अभी तक दिल्ली पुलिस ने वो सारे के सारे सीसीटीवी कैमरास को भी खंगाला नहीं है, और उनकी रिकॉर्डिंग को अपने कब्जे में नहीं लिया है। मेरे हिसाब से ये बिल्कुल ठीक नहीं है, और ये करने की बहुत सख्त जरूरत है।